इमरान, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत गर्म पानी से करती हूँ। और मैं शुरू से ही गर्म पानी पीती हूँ, पूरे टाइम नहीं पीती हूँ पर मॉर्निंग टाइम में ज़रूर पीती हूँ मैं गर्म पानी। ये मेरी बहुत पहले से ही आदत है और कभी कभार मैं शाम को भी पी लेती हूँ, पर मैं सुबह तो रोज़ ही गर्म पानी का यूज करती हूँ। इस टाइम गर्म पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए, और जिसको वेट लॉस करना है उनको तो गर्म पानी पीना ही चाहिए। पानी पीने के बाद, थोड़े मोड़े काम निपटाने के बाद, जैसे कि क्लीनिंग होने के बाद, मैं बनाती हूँ चाय। और चाय पानी के बाद मैं लेती हूँ, और बिना चाय के मुझे लगता है कि मॉर्निंग की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और चाय के बिना मुझे लगता है कि मेरी सुबह ही नहीं हुई है। और इवनिंग टाइम में अगर चाय ना पीऊँ तो चल जाएगा, पर मैं मॉर्निंग टाइम में चाय ज़रूर लेती हूँ। ये मेरी आदत है शायद शुरू से ही, इसलिए मैं चाय को छोड़ नहीं सकती हूँ मॉर्निंग में। और चाय मैं नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे कि दूध और थोड़ा सा पानी मिला के उसको बॉईल करके उसको खदका के, उसके बाद उसमें मैं चाय पत्ती एंड अदरक और शुगर डालती हूँ। और मैं मॉर्निंग टाइम में फीका ही चाय पीती हूँ, मतलब कि कम शुगर वाला, तो ज़्यादा शक्कर नहीं डालती हूँ मैं। और हमें मैक्सिमम फीका ही चाय लेना चाहिए, फीका चाय सेहत के लिए ठीक रहता है। इधर बाबू भी उठ जाते हैं, हमसे पहले ही बाबू उठ जाते हैं और बाबू की मस्ती शुरू हो जाती है। बाबू अभी छुपन छुपाई खेल रहे हैं, जब हम आते हैं तो ऐसे खेलते हैं कार के पीछे अगल बगल, ये छुपते हैं और देखते हैं कि मम्मा आ रही हैं कि नहीं, पापा आ रहे हैं कि नहीं, फिर छुपते हैं, फिर पकड़ लो तो खुश हो जाते हैं। इधर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी छोले वाली सब्जी और पूड़ी, तो वही उसी की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई को हीट कर लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। मैं हमारे इधर यूपी में मैक्सिमम मस्टर्ड ऑयल ही लोग यूज करते हैं अपने खाने में, तो इसमें मैं खड़े खड़े मसाले डालूंगी, खड़े गरम मसाले, और कुछ गरम मसाले मैं पीस के डालूंगी, प्याज के साथ मैं पीस के डालूंगी। इसके लिए मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची ले रखी है, और बाकी जो गरम मसाले हैं उसे मैं पीस के डालूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे अच्छे से भून लूंगी, और अच्छे से जब वो हल्का ब्राउन हो जाता है तो उसके बाद मैं प्याज का पेस्ट डालूंगी, जिसमें मैंने तेजपात और थोड़े से गरम मसाले जैसे कि काली मिर्च, ये सब मैंने उसमें पीस के पीसा हुआ है, उसे मैं इसके बाद भूजूंगी। और प्याज को भूज जाने के बाद जब वो छोड़ देता है, उसके बाद हम इसमें मसालों को भूजेंगे, जैसे नॉर्मल मसाले ही हमें भूजना है, जैसे कि टर्मरिक हुआ, कोरिएंडर हुआ, रेड चिली पाउडर हुआ, और गरम मसाले डालूंगी, थोड़ा अमचूर पाउडर डालूंगी, क्योंकि जब भी हम छोले वाली सब्जी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम खटाई का यूज करते हैं। और मसालों को भूज जाने के बाद उसे अच्छे से भूजना है, जब तक वो अच्छे से भूज ना जाए, अच्छे से तेल ना छोड़ दें, तब तक हम मसालों को भूजना रहता है। उसके बाद मैंने 3 मीडियम से थोड़े से बड़े टमाटरों को पीसा हुआ है, उसको मैं डालूंगी, उसको भी अच्छे से फ्राई करूंगी इन मसालों के साथ। कोरिएंडर पाउडर मैंने 1.5 चम्मच लिया है, मतलब 1.5 हाफ, और
टर्मरिक लिया है हाफ स्पून एंड हाफ स्पून लिया है रेड चिली पाउडर, और गरम मसाला भी मैंने थोड़ा बहुत लिया है, अमचूर भी थोड़ा लिया है, और इसके अलावा अमचूर भी थोड़ा लिया है, और सॉल्ट भी थोड़ा लिया है मैंने, क्योंकि मैं बाद में भी थोड़ा डालती हूँ। और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर की प्योरी जो मैंने बनाया हुआ था वही मैं डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा अगर आप पानी मिलाना चाहें तो अच्छे से पानी मिला के इसे अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे, इसे भूजेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ काबुली चने की। तो काबुली चने को पहले से रात में मैंने गला लिया था, इसे आप अगर इंस्टेंट गलाना चाहें तो इसे गर्म पानी में गला सकते हैं, और बाद में इसको इसी सीटी में कुकर में सीटी डाल के मैंने उबाल के रख लिया था। तो अब मैं जब ये अच्छे से भुन जाएगा मसाला तो इसमें मैं काबुली चना को मिलाऊंगी, और उसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें आलू को मिलाऊंगी जो कि बॉईल हुए हैं। उन सबको मिलाने के बाद मैं एक गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से पकाऊंगी, 10 मिनट तक पकाना है, दैट सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद मैंने आटा मार के रखा हुआ है, उन आटे से मैं पूड़ी बनाऊँगी। छोले वाली सब्जी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, और आपको कैसा लगा प्लीज़ आप भी बताइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। और आज मैंने बाबू की रूटीन ऐड नहीं की है, उनकी अलग से रूटीन बताऊँगी। और ये है मेरा लंच, आज मैं छोले और राइस के साथ खाऊँगी। और वैसे मैंने दाल ही बनाया है, पर जिस दिन छोला बनाती हूँ उस दिन मैं दाल के साथ राइस नहीं लेती हूँ। तो ये है मेरा लंच, आ जाइए आप भी लंच कर लीजिए। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप, आयु अच्छे होंगे। इंडियन ब्लॉगर पूजा वी ऑनेस्ट आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैंने मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन आपके साथ शेयर किया, जिसमें ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन था जो कि नॉर्मल रूटीन था। और आई होप आपको पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। और अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा, अगर कोई राय है तो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो को आप देख सको। और तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर मेरा ब्लॉग नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट, और मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग।